Hey guys, welcome back to my channel. I really hope that you all are doing great. So for today's video, I'm gonna talk about my MTs for the month of June with you guys. अब इस मंथ में इतने सारे MTs तो नहीं थे, थोड़े से थे, but हाँ, I really loved using these products, so I wanted to share these products with you guys. Also, I will leave the links to these products in my description box for you to check out. So let's start. So the first MT that I have is this Kariel Bath and Body Peach Face Cleanser. Now it is a gentle cleanser और इसमें peach है जो कि एक natural exfoliator होता है, तो I really loved using this. ये बहुत ज़्यादा gentle था मेरी skin पे and ये सारी impurities को झट से निकाल देता था skin से. जब भी इससे face wash करती थी ना, ऐसा feel होता था कि मेरी जो skin है ना वो glow कर रही है. And secondly, ये बहुत ही ज़्यादा soft और supple कर देता था मेरी skin को, so I really enjoyed using this. The next MT that I have is this Bella Vita Organic रोज वाटर फेस टोनर एंड मिस्ट. नाउ इसके अंदर एलोवेरा है, क्यूकम्बर है, बेजिल है एंड रोज है, तो ये बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को टोन करता था. मैं इसको अपने टोनर की तरह यूज कर रही थी, मिस्ट की तरह यूज कर रही थी, अपने फेस पैक्स में भी यूज कर रही थी एंड आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस. ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को टोन कर देता था. अगर आपको डल फील हो रहा है या आपकी जो स्किन है वो एकदम ऑयली फील हो रही है, तो इसको स्प्रे करो और ये इंस्टेंटली सारे ऑयल को रिमूव कर देती थी और आपको फ्रेश फील देती थी. ये परफेक्ट है उन लड़कियों के लिए जो ज़्यादा से बाहर रहती हैं अपने घर से, लाइक काम पे जाती हैं या पढ़ने कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो और जब भी आपका मन करे आप इसको स्प्रे कर लो तो आपको अच्छा फील होता है. Now my next MT is this salicylic acid and niacinamide oil control serum from Pilgrim. अब समर्स में जिनकी जो स्किन है ना वो हद ऑयली रहती है, उनके लिए ये जो सिरम है ना वो एक ब्लेसिंग है, बिकॉज ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देता या फिर उसको उसका मॉइस्चर भी लूज नहीं करने देता, एकदम हाइड्रेटेड रखता है और प्लम्पी रखता है आपकी स्किन को. ऑल्सो अगर आपके कोई भी एक्ने स्कार्स है या पिगमेंटेशन है, ये उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है, सन टैनिंग से भी प्रिवेंट करता है आपकी स्किन को. सो आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस एंड आई एम गोना डेफिनेटली रीपरचेज दिस वन. So my next MT is this lactocalamine daily face care lotion. Now I've been using lactocalamine for जब मैं अराउंड 16-17 ईयर्स की थी, मैं तब से लैक्टोकैलामाइन यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी सेंसिटिव स्किन को बहुत अच्छा सूट होता है. गर्मियों में इससे बेटर और कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है आपकी स्किन पे एक्ने और पिंपल्स को भी प्रिवेंट करता है. एंड गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस कारण पिंपल्स और एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये उसको प्रिवेंट करता है. अगर आपके स्कार्स है ये उसको भी रिमूव करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, सिर्फ एक्सेस ऑयल रिमूव करेगा और नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता आपकी स्किन से, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी होती है, ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में होता है एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन में मेल्ट कर जाता है. एंड आई लव कि मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ ना, मेरे को और कुछ लगाने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि स्किन हल्का सा टेंट है तो ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो दे देता है. नेक्स्ट आई हैव एंटर्ड दिस आईज ऑन ड्यूटी आई जेल फ्रॉम इंडल्जियो. नाउ आई एम एन इंडल्जियो बेबी. आई लव इंडल्जियो के आई सिरम, उसका आई लोशन एंड दिस जेल, बिकॉज दीज आर सो ब्यूटिफुल. आपके डार्क सर्कल्स को इससे बेटर और कुछ सूट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने कितने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं डार्क सर्कल्स के लिए, बट कुछ भी इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना ये अच्छा वर्क करता है. एंड आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस एंड आई लव दिस, आई स्वेयर बाय दिस. अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है ना, तो आप इंडल्जियो का या तो ये ले लो या फिर इसका आई सिरम ले लो, आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. एंड माई नेक्स्ट एम टी इज दिस बिलोरा पैरिस ऑस्ट्रेलियन प्लम एंड विटामिन सी सिरम मॉइस्चराइजर. नाउ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट जेल कंसिस्टेंसी में था, बहुत ईजीली ग्लाइड हो जाता था आपकी स्किन पे. हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये थोड़ा इची फील होता था, बट वो इचनेस सिर्फ अराउंड 2-3 मिनट्स के लिए रहती थी, बट ये आपकी स्किन को एक नेचुरल प्लम्प दे देता था. मैं इसको नाइट टाइम रूटीन में यूज़ कर रही थी एंड मैं जब सुबह उठती थी तो मेरी स्किन एकदम प्लम्पी फील होती थी एंड आई रियली लव दैट, बिकॉज
जब प्लम्प करती है आपकी स्किन तो वो एक नेचुरल ग्लो भी करती है एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी लाइक माशाल्लाह है. लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर दिस इसकी कंसिस्टेंसी आपके लिए बेस्ट है. हाँ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन को उतना ज़्यादा हाइड्रेशन या प्रोवाइड नहीं करेगा या ड्राइनेस को दूर नहीं करेगा, बट बाकी स्किन टाइप्स के लिए ये परफेक्ट है. नेक्स्ट एमटी इज दिस गार्नियर स्किन नेचुरल्स माइसेलर क्लिनजिंग वाटर. नाउ अगर आपने हैवी मेकअप किया है या सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाया है, ये उस सब को रिमूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. बहुत अच्छा है, जेंटल है, सेंसिटिव स्किन है तो उस के लिए ये परफेक्ट है. बिकॉज बाकी सारे माइसेलर वाटर्स जो होते हैं ना वो सेंसिटिव स्किन को लाइक काइंड ऑफ ड्राई कर देते हैं या इचीनेस कॉज कर देते हैं, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं है. मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा जेंटली रिमूव करता है सबको एंड आई फील कि दिस वन इज़ द बेस्ट इन द ड्रग स्टोर. एंड माई लास्ट एम टी फॉर द डे इज़ पिलग्रिम का सल्फेट फ्री शैम्पू. नाउ अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं या ड्राई हेयर हैं या ऑयली भी हेयर हैं, दिस शैम्पू इज़ परफेक्ट. ये एकदम सल्फेट फ्री है, इसमें कोई पैराबेंस नहीं है. ये ज़्यादा फोम तो क्रिएट नहीं करेगा, बट हाँ आपके स्कैल्प के जितने भी इश्यूज़ है ये उसको सॉल्व कर देगा. और इसको वॉश करने के बाद ना आपके जो हेयर्स हैं वो एकदम सिल्की और स्मूथ फील होते हैं एंड आई रियली लव दैट. और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत स्वीट है. लाइक जब भी इसे वॉश करो ना आपके जो हेयर्स हैं ना वो बहुत अच्छा स्मेल करते रहते हैं थ्रू आउट द वीक. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो डू लेट मी नो वॉट आर योर एमटीज फॉर द मंथ ऑफ जून एंड इफ यू हैव एनी प्रोडक्ट इन योर माइंड दैट यू वॉन्ट मी टू ट्राई आउट देन डू लेट मी नो. आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू. Till then, stay safe. I would meet you next time right here with another video. Bye.